लंबी उहापोह के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार के सांसद कमलनाथ को राज्य इकाई की कमान सौंप दी। उनके साथ ग्वालियर चंबल की कद्दावर शख्सियत और गुना शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति की कमान दी गई है। पार्टी महासचिव अशोक गहलोत की ओर से जारी एक चिट्ठी में बताया गया है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कमलनाथ के पास इस समय हरियाणा और पंजाब का प्रभार है। जो पिछले 15 साल में जो कलाकारी की राजनीति रही है, जो गुमराह की राजनीति रही है, जो ये आश्वासन की राजनीति रही है, आज जो मध्य प्रदेश के पीड़ित किसान हैं, दुखी नौजवान जो भटक रहे हैं, हमारे व्यापारी जो परेशान हैं, हमारी महिलाएं जो असुरक्षित हैं, आज मध्य प्रदेश में के मजदूर जो हैं, जो सब परेशान घूम रहे हैं, आज हमें उनकी आवाज उठानी है। प्रदेश इकाई में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनके नाम हैं बाला बच्चन, निमाड़ क्षेत्र से विधायक और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष, रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल क्षेत्र से विधायक, जीतू पटवाड़ी मालवा क्षेत्र के विधायक, सुरेंद्र चौधरी बुंदेलखंड से विधायक। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 29 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के बाद कार्यभार संभाल सकते हैं। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का भी जल्द ही सम्मानजनक पुनर्वास हो सकता है। वो 4 साल से प्रदेश इकाई की कमान संभाल रहे थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि संगठन में इस बदलाव से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।